बाबूजी को बिठा दिया ट्रेन में? नहीं नहीं, उन्हें प्लेटफॉर्म पर छोड़कर आ गया। क्या? जब मैं यहाँ आ चुका हूँ तो बाबूजी को अपनी बर्थ पर बिठा कर ही आया हूँ ना। अच्छा भैया, आपने रामया चाचा को फोन करके बता दिया था ना कि बाबूजी जबलपुर के लिए निकल चुके हैं? हाँ हाँ बता दिया। मेंढक ये ले, रेलवे की पेंट्री से ना गर्मा गर्म फ्रेश पकौड़े लेकर आया हूँ नाश्ते के साथ, इसे भी टेबल पर लगा दे। भैया हमें ना बाबूजी की बहुत याद आ रही है। लो, अभी बाबूजी को जाकर एक घंटा तो हुआ है। नहीं भैया, ऐसा लगता है कि एक दिन हो गया। अरे तू क्यों परेशान हो रहा है, हम सब हैं ना तेरे साथ। हम तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। मेंढो ये ला मुझे दे, नाश्ता मैं लगाती हूँ और तू नाश्ता करने के लिए जल्दी से टेबल पे बैठ जा, ठीक है? हम बाबूजी के बगैर नाश्ता नहीं करेंगे। अम्मा यार, नाश्ता नहीं करोगे ना तो होगी टेंशन टाइट, समझ रहे हो कि नहीं? क्यों नहीं करेगा नाश्ता? क्वेश्चन मार्क, हम तो तुझे नाश्ता करवा करेंगे। मेंढक देख, माना कि बाबूजी तीन दिन घर पर नहीं है, लेकिन चिड़ियाघर की ये तीन दिन की जिंदगी हम सब मिलकर हंसकर गाकर बिताएंगे। हाँ कोयल, म्यूजिक। क्या बात है। अबे तू सोचेगा तब तक ये दाग ना सीमेंट की तरह जम जाएंगे। तो एक काम कर, तू कपड़ा मुझे दे, मैं साफ करता हूँ, तू पानी डाल। जा। ठीक से साफ करना। हाँ ये क्या किया? क्वेश्चन मार्क। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा कैसा, जिसमें मिले उसके जैसा। क्या किया मेंढक, इतनी जोर से क्यों पानी फेंका? मयूरी के साथ साथ सबको गीला कर दिया। अबे क्यों किया ये मेंढक? घोटक भैया, अभी आप ही ने तो कहा पानी डाल। अबे पर ऐसे, परसों ना बाबूजी गटर साफ करवा रहे थे, उन्होंने कहा यहाँ कचरा जमा हो गया है, जोर से पानी मार, कचरा साफ हो जाएगा। तो हमने भी जोर से पानी डाला। ओ, ये मेंढक और गधा प्रसाद को ना सिर्फ बाबूजी हैंडल कर सकते हैं। अरे बाबूजी के आने तक ना हमें ही झेलना है। हा? मेरा मतलब है हमें ही संभालना है। वैसे
बाबूजी रामिया चाचा के घर काफी मजा करेंगे शादी में। डॉट 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 डॉट। याद है तुम्हारी और मयूरी की शादी में कितना मजा आया था? हाँ मयूरी, 14 दिसंबर का वो दिन मैं। अरे तुम्हें तो डेट भी याद है। हाँ। आपको याद है हमारी शादी की तारीख? हाँ बताइए। क्यों तुम्हें याद नहीं? मुझे याद है। हाँ तो बस वही तारीख। कौन सी? कोई नई बात नहीं है कोयल। 5 तारीख। पता चला आपको याद नहीं है। क्यों? हमारी शादी 16 तारीख को हुई थी। अरे हाँ 16 मार्च, अब याद आ गया। यानी कि आपको महीना भी याद नहीं कि हमारी शादी कौन से महीने में हुई थी? हमारी शादी 16 सितंबर को हुई थी। हाँ अरे हाँ याद आया, 16 सितंबर। कोयल क्या है ना कि तुम्हारा बर्थडे मार्च में आता है ना, इसलिए वो दोनों डेट मिक्स हो गई। आपको मेरा जन्मदिन भी याद नहीं? मेरा जन्मदिन मार्च में नहीं आता। पता है जून में आता है ना? जुलाई, अगस्त, करेक्ट। अरे हाँ लेकिन सितंबर में तो आ ही नहीं सकता क्योंकि सितंबर में तो हमारी शादी हुई थी। ऐसा कहाँ लिखा है कि जिस महीने में शादी होती है उस महीने में जन्मदिन नहीं हो सकता? हा? मेरा जन्मदिन हमारे शादी के 2 दिन के बाद आता है, 18 सितंबर। हाँ 18 सितंबर, करेक्ट करेक्ट, तुम्हें करेक्ट याद है। हमारी जिंदगी का एक भी खास दिन आपको याद नहीं है? भाभी भैया से इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं, फुल स्टॉप। बाबूजी अभी इस वक्त यहाँ होते ना तो कहते भैंस के आगे बीन बजाए तो भैंस खड़ी पगुराए। अबे गोमू कहीं के, तू अपनी पटरी संभालना। तू क्या बोल रहा है? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और तू मुझे भैंस भैंस बोल रहा है? तुझे याद है मयूरी की बर्थडे? बोल। 13th January, गज का 29th November, गिल्लू का 14th May, बाबूजी का 1st January, कपी का 27th November, चोपड़ा साहब का 19th September, विजिटिंग कार्ड का। बस बस करना अभी मेरे बाप। बस कर क्या? सीखिए अपने छोटे भाई से कुछ सीखिए। भैया माना इस मामले में आपकी मेमोरी की है टेंशन थोड़ी टाइट, लेकिन भैया ये तो है प्यार की लैंग्वेज, राइट? राइट राइट, कपी एकदम राइट है ना बारे ना दो। मेमू कह रही है कि कपी भैया सही कह रहे। आप लोगों के लिए मेरे पास एक सही इन्फॉर्मेशन और है। दे दो भैया और मजा आएगा। हम सब प्यार करने वालों का सबसे बड़ा दिन आ रहा है, वैलेंटाइन डे। वाओ मजा आएगा। तुझे क्या मजा आएगा क्वेश्चन मार्क? बेटा तू इस दिन के लिए अभी बहुत छोटा है, फुल स्टॉप। क्यों चाचू, हमारी दोस्त नहीं हो सकती? लो आपका ही बेटा है। अरे गिल्लू वैलेंटाइन डे का मतलब होता है पार्टी, गिफ्ट, फ्रेंड्स, रोमांस। बस यही तो चाहिए बड़ी बड़ी कंपनियों को। तुम जैसे रोमियो गिफ्ट देकर बेवकूफ बनते हो और उन्हें मुनाफा होता है। ये वैलेंटाइन डे, फ्रेंडशिप डे, ये सारे डेज ना मल्टीनेशनल कंपनियों के बनाए हुए पैसे कमाने के चोंचले हैं, चोंचले। वैलेंटाइन डे मनाएंगे। अनरोमांटिक। हरिओम हरिओम। हंसनी इसमें पूछने वाली बात कैसे? मैं रोज तुम्हारा होमवर्क करता हूँ तो आज भी कर दूंगा। तुमने मैथ की बुक खरीदी? नहीं खरीदी तो मत खरीदना, मैं मम्मा से मंगवा लूंगा। वैसे तुम कर क्या रही हो? मुझे पता है तुम काम करती हो कोयल, लेकिन अभी मुझे देर हो रही है, हावड़ा टाइम पर है। अरे आपको जहाँ जाना है जाओ ना, मैंने कब रोका है? जाइए। पहले मुझे ये बताइए वैलेंटाइन्स डे पे मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हो आप? पूरी भाजी। हाय। अरे ये सब छोड़ो ना कोयल, ये देखो ना मेरा मोबाइल कहाँ है। हाँ मुझे क्या पता कहाँ है? यहाँ नहीं है मेरे पास। कहाँ रखते हो? यहाँ देखो। कड़े गोल्ड के कड़े बनवा दो आप मेरे लिए। अरे मेरा लोहे का मोबाइल ढूंढो। हंसनी वैलेंटाइन्स डे आ रहा है, सब लोग ने कुछ ना कुछ प्लान किया होगा। तुमने कुछ किया? मैंने तो गिफ्ट के बारे में प्लान भी कर लिया। तुमने भी कर लिया? वाओ यस यस। वे मिनी ट्रेन, राजधानी एक्सप्रेस बनने की कोशिश मत कर,
और ये क्या गप्पे आंक रहा है तू? बड़ों पे वैलेंटाइन का बुखार कम है जो तुझ पे भी चढ़ गया? ओ समझौता एक्सप्रेस, समझाओ इसे। गिल्लू क्या क्या हो कह रहा है? हाँ मम्मी आप ये सब नहीं समझोगी। हाँ अबे नहीं समझोगी मतलब? तू कितना, तेरी उम्र कितनी, तेरी हाइट कितनी, और तू बातें करता है कितनी? खबरदार आइंदा मेरा मोबाइल यूज किया तो। पर देखिए गिफ्ट क्या देना है मैं सजेस्ट करती हूँ आपको। एकदम सही बोला आपने, बिल्कुल करेक्ट है। क्या बात है गुप्ता जी, दुबे जी किस बात पर इतनी हंसी आ रही है आप लोगों को? अरे घोटक बाबू, ये दुबे जी है ना, ये बांके लाल के किस्से सुना रहे हैं। कैसे किस्से भाई? एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है घोटक बाबू, जो बाजार में अपना प्रोडक्ट ला रही है वैलेंटाइन डे पर, उसी का प्रमोशन कर रही है, उसी के किस्से। ये मल्टीनेशनल कंपनी वाले ना लूट लेंगे अपने देश को। अरे नहीं नहीं घोटक बाबू, फायदे की बात है। हाँ अरे इसमें कौन सा फायदा गुप्ता जी? ये मल्टीनेशनल कंपनी वाले ना फर्स्ट क्लास का माल दिखाएंगे और देंगे सेकंड क्लास की टिकट। मुझे बताइए अपनी ट्रेन में तो थर्ड क्लास नहीं होता ना, लेकिन ये मल्टीनेशनल कंपनी वाले थर्ड क्लास प्रोडक्ट ही बेचते हैं। पर माल खरीदने के लिए क्या कौन रहा है, वो घर घर जाकर प्रमोशन कर रहे हैं, उसी में लाखों का फायदा है घोटक बाबू। घर घर में प्रमोशन? हाँ लाखों का फायदा, अरे ये कौन सी नई बात है? अरे आपको इसके बारे में नहीं मालूम है? नहीं बताइए भाई। ये सही है घोटक बाबू। अरे गुप्ता जी क्या नाम है उस मल्टीनेशनल कंपनी का? कुड़ू कुड़ू कुकड़ू कुक। अरे नहीं क्यूपिड गिफ्ट्स। वो क्या है ना घोटक बाबू कि ये लोग घर घर में जाकर कपल्स के बीच में कंपटीशन करवा रहे हैं। अच्छा और जो भी कपल ये कंपटीशन जीतेगा उसे वैलेंटाइन डे पर 14 फरवरी को 5-स्टार होटल में पार्टी में बुलाया जाएगा। बस पार्टी? अरे सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी कपल ये कंपटीशन जीतेगा उसे कैश गिफ्ट दिया जाएगा। हाँ अच्छा। और इतना ही नहीं, उस कपल को फाइनल राउंड के लिए भेजा जाएगा, और घोटक बाबू जो भी कपल ये फाइनल राउंड जीत जाएगा उसका फोटो प्रोडक्ट के ऊपर छप जाएगा, और फिर तो बस नोट गिनते रहिए, मजा ही मजा है जिंदगी भर। अरे वाह वाह। अरे ये तो मल्टीनेशनल कंपनी से पैसे कमाने वाली बात हो गई। वैसे हर कंपनी ना अपना प्रोडक्ट लेके हमारे चिड़ियाघर स्टेशन पर आते रहते हैं, लेकिन ऐसी ऑफर कभी नहीं आई। अरे काम करते हैं ना, फोन करके बुलवा लेते हैं। ऐसे सामने से फोन करने पर आते हैं वो लोग? हाँ आते हैं, क्यों नहीं आते? अरे तो नंबर दीजिए ना गुप्ता जी। अरे लाइए ना, मैं लगा के देता हूँ आपको। लीजिए लीजिए। हेलो क्यूपिड गिफ्ट्स, मेरी क्यूपिड गिफ्ट्स वालों के साथ बात हो चुकी है, वो फौरन आज की ट्रेन पकड़ कर आ ही रहे हैं। पर भैया हमें बेस्ट कपल की प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना, फुल स्टॉप। भाग नहीं लेना? क्यों नहीं भाग लेना? मयूरी को भाग लेना है इस कंपटीशन में, और जीतने के बाद वैलेंटाइन डे के दिन 5-स्टार होटल में पार्टी करने जाना है। ले जाओगे ना? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं, चुपचाप बैठे क्यों हो? बोलो, अरे बोलो ना, बोलो। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी कौमा, तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी कौमा, तुम बहुत सुंदर हो मयूरी फुल स्टॉप। ये नहीं, ये बोलो वैलेंटाइन डे की पार्टी में ले जाओगे कि नहीं? हाँ पता नहीं फुल स्टॉप। भैया ये सुबह तो आप मल्टीनेशनल कंपनीज की बुराई कर रहे थे, और अब ये सब? हाँ हाँ आप ट्रेन की चाट की तरह पार्टी बदल रहे हो। हाँ दल बदलू? कोई नई बात नहीं है। हाँ? मैं मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ अभी भी हूँ, लेकिन वो लोग जो प्रतियोगिता कर रहे हैं ना उसके साइड में। गोमु कहीं के बिना किसी रिस्क के, नुकसान के, हमें सिर्फ फायदा ही फायदा है। ये देख, हम में से किसी को 5-स्टार होटल में वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने को मिलेगा, और जो पैसे मिलेंगे सो अलग। हाँ भैया बात तो आपकी एकदम राइट, तो आप शुरू करते हैं वैलेंटाइन की फाइट। फाइट रजनीकांत हेलो रजनीकांत। अरे मैं इस फाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्यार की फाइट की बात कर रहा हूँ। रोमांस, या लव फाइट।
थोड़ा। हरिओम। नमस्कार, मैं क्यूपिड गिफ्ट की ओर से आई हूँ। मेरा नाम है चांदनी। अब कोई नई बात नहीं है, देख के पता चलता है। सर। हाँ सर। बताइए आप यहाँ आए किस लिए? अजी आपने बुलाया इसीलिए। वो क्या है ना कि हमारी कंपनी ने वैलेंटाइंस डे के दिन इंडिया में अपना प्रोडक्ट ला रही है, सबको पता है। और उसके लिए प्रतियोगिता भी रखी है बेस्ट वैलेंटाइन कपल की। ये भी मयूरी और सबको पता है। हाँ तो चलिए ना चांदनी जी, पटरी पर आ जाइए और बताइए ना कि प्रतियोगिता क्या है। सर सर, इस प्रतियोगिता में 3 राउंड्स है और हर राउंड के बाद बताया जाएगा कि दूसरे राउंड में क्या होगा और क्या प्राइजेस दिए जाएंगे, ये भी बताया जाएगा। तो जल्दी बताइए ना। सुना सुना इनका बेटा है। इस प्रतियोगिता में फर्स्ट राउंड में जीतने वाले को मिलेंगे पूरे 5,000 रुपए। 5,000? जल्दी बताइए क्या करना है। तो आप सब इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे? अरे मैडम हिस्सा लेना है, इसीलिए तो आपको फोन करके बुलाया। हेलो डॉट डॉट। तो शुरू करते हैं पहला राउंड, दम शराज। अरे एक मिनट, आप सब लोग रुकिए, आप सब लोग आधे घंटे तक रुकिए, मेरी दोस्त भी आने वाली है। गिलू बेटे, ये एक प्रतियोगिता हाफ टिकट के लिए नहीं है। सोना सोना सो क्यूट। चांदनी जी आप बिल्कुल श्रीदेवी की तरह हंसती है। सर दिखती भी है। काश मेरा गदा प्रसाद भी होता तो मैं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेती। चाय ठंडी हो गई, जल्दी दे दे। मयूरी ने ये क्या कर दिया? सॉरी मयूरी को माफ कर दीजिए प्लीज। कोई बात नहीं। जो हुआ बुरा हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बोला। अरे कोई बात नहीं, क्या ये कैसा करते हैं क्या कोई? इनके इंजन को देखकर पता नहीं चलता कि ये गुस्से में विसल मार रही है या प्यार से, है ना? सच सच, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। दम शराज शुरू किया जाए। तो शुरू करते हैं दम शराज। इस बॉल में 3 कपल्स के लिए अलग अलग पर्चियां है। जेंट्स लोग पर्ची निकालेंगे, इसमें किसी फिल्म या किसी कलाकार या गाना लिखा हुआ है। इस तीनों में से जो भी होगा वो आपको अपनी पत्नी या अपनी गर्लफ्रेंड को बिना बोले एक्ट करके दिखाना है। दमशराज में पर्ची पर कलाकार, गाना या फिल्म है, ये तो हम बता सकते हैं ना? ओ सुनो सुनो सुनो, हमारे प्रतियोगिता में नहीं बता सकते। और औरतों को सही जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस होंगे, जो जवाब नहीं दे पाएगा वो कपल हार जाएगा। सुन ले गुमू कहीं के, मैं तो एक बार में ही जवाब दिलवा दूंगा, क्यों गोयल? लेकिन तेरी और कपी की ट्रेन अटकने वाली है फर्स्ट क्लास। भैया ये तो वक्त ही बताएगा, फुल स्टॉप। किस किस की होगी टेंशन टाइट और किस की होगी तकदीर ब्राइट। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.